में गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई और वहां पर मौके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 4 आरोपी जो गांजा जो कि एनडीपीएस मटेरियल है उसको बेचने के लिए एक घर में गए हुए थे, जहां पर उस घर से खरीदने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र पुत्र बलवीर निवासी छारा जिला झज्जर, श्रवण कुमार पुत्र मुंगाराम निवासी सेंगू राजस्थान, अरविंद पुत्र सतपाल निवासी कोलिंदा कबास राजस्थान और विकास पुत्र लच्छी राम निवासी झाड़ोदा कला दिल्ली। इनके इनके रूप में इनकी पहचान हुई है, जो कि दशरथ पुत्र विजय कुमार निवासी जामुवास के मकान पर यह गांजा बेचने के लिए आए हुए थे, जिसकी सूचना पर इनको माल सहित बरामद किया गया। एवं जो मौके से एक महिला आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दशरथ की माँ है। तो इन सबकी कुल रिकवरी जो गांजा की हो पाई वो 139.28 किलोग्राम गांजा जो है कुल बरामद हो पाया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है वो 10 लाख के बराबर है। इसके अंदर हमारी आगे इंटरोगेशन फर्दर करने पर यह मालूम चला कि यह पूरा जो गांजा था यह एक कृष्ण नाम के आरोपी है, जिसका पूरा नाम है कृष्ण पुत्र कप्तान निवासी उन बोंद कला जिला चरखी दादरी, क्योंकि उसके इशारे पर यह सारा गांजा वहां उड़ीसा से लाकर और यहाँ बेचा गया है। जो हमारी टीमों द्वारा तुरंत उक्त कृष्ण के यहाँ पर दबिश देकर उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। अभी तक मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं भारी मात्रा में 140 किलोग्राम के लगभग गांजा जो है बरामद हो चुका है और हमारी टीमें अब इसमें इनका 6 दिन का पुलिस रिमांड हमने लिया है। जो 5 आरोपी हैं कृष्ण एवं जो 4 आरोपी जो बेचने वाले थे एवं जो महिला आरोपी है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब आगे हम इनसे जो उड़ीसा से जो माल लेके आए हैं उसकी पूरी पुलिस कार्रवाई एवं उड़ीसा से जो जो उसके तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए हमारी टीमें अब आगे दबिश देंगी पुलिस रिमांड पीरियड के दौरान, और जल्द ही हम इसके आगे पूरे नेटवर्क का खुलासा